कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राधे राधे हरे कृष्णा, आप सभी का हमारे YouTube चैनल Divine Twins में स्वागत है और हमारे 100 डेज 100 वीडियोस का आज फर्स्ट डे। और आज के स्पिरिचुअल टॉक के थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान नाम की महिमा। और भोले बाबा भी कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो आखिर क्यों भगवान का नाम इतना श्रेष्ठ है? इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम के 6th स्कंद में अजामिल उपाख्यान के अंतर्गत सुखदेव जी बताते हैं कि किस प्रकार से अजामिल अपने जीवन भर पाप करता है, बुरे काम करता है, लेकिन मरते समय भगवान का नारायण नाम उच्चारण करने मात्र से उसकी मुक्ति हो जाती है। और यह सारा नज़ारा देखकर आज यमदूत हैरान थे, चकित थे। और तब वह संयमनीपुरी में यमराज के पास जाकर पूछते हैं कि हे स्वामी, आज तक हम बस इतना जानते थे कि जिस प्रकार से समस्त राज्य की समस्त प्रजा का एकमात्र स्वामी उसका एक राजा होता है, उसी प्रकार से समस्त जीवों के स्वामी आप हैं और आप उनके कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। लेकिन प्रभु, आज आपकी आज्ञा का उल्लंघन कुछ भगवत पार्षदों ने किया, तो भला ये कैसे संभव हो सकता है, आप हमें समझाइए। और तब यमराज बताते हैं कि मैं समस्त जीवों का स्वामी नहीं हूँ, बल्कि मेरा भी कोई स्वामी है और वह है भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और श्रीमद् भागवत में तो स्वयं कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं और उन्हीं के अधीन सारे देवी देवता अपने विभाग में शासन करते हैं और उन्हीं के अधीन यमराज धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। लेकिन यमराज बताते हैं कि भगवान के द्वारा स्थापित ये भागवत धर्म अत्यंत शुद्ध और गोपनीय है और इसे हर कोई नहीं जानता, और जो इस धर्म को जान लेता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है। और आज तक इस धर्म को जानने वाले मात्र 12 ऐसे प्रधान भक्त हैं जिन्हें हम द्वादश प्रधान भक्त कहते हैं। और उनके बारे में यमराज बताते हैं कि स्वयंभूर नारद शंभु कुमारह कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास किर्वयम् द्वादिशैते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा। बताते हैं कि कौन है वह 12 लोग, कि ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, साथ ही साथ भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जनक जी, भीष्म पितामह और राजा बलि, सुखदेव जी और स्वयं धर्मराज यमराज इस भागवत धर्म को जानते हैं। और यमराज बताते हैं कि इस जीव का परम धर्म तो यही है कि वो नाम संकीर्तन इत्यादि साधनों का आश्रय लेकर भगवान के श्री चरणों में शुद्ध भक्ति की प्राप्ति करे। और यहाँ पर आप तो देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से अजामिल ने भगवान का नाम नारायण, वो भी नामाभास में कहा, अर्थात पुकारा तो भगवान का नाम लेकिन उसका उद्देश्य अपने पुत्र को बुलाना था, फिर भी उसकी मुक्ति हो गई। तो जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करे, उनका कीर्तन करे, फिर उसकी मुक्ति में किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। स्वयं सुखदेव जी बताते हैं, शृण्वताम गृणताम वीर्य अन्युदामानि हरेर्मुहु यथा सुजातया भक्त्या शुद्धेनात्मा वृतादिहि। अर्थात जो व्यक्ति बार बार भगवान की लीला, उनके गुण, उनके नाम को श्रवण करता है, साथ ही साथ उसका कीर्तन करता है, उसके हृदय में स्वतः भगवान की शुद्ध प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और उसके हृदय में, उसके मन में जितनी भी कर्म वासना है, विषय वासना है, वह सब नष्ट हो जाती है और उसकी आत्मशुद्धि हो जाती है। और इसलिए कहा गया है
कलियुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए ये नाम संकीर्तन भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है और आप भी इसका लाभ उठाइए। एंड कीप चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।